नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और जो नए बच्चे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन लाइव क्लासें शुरू कर दी गई है और बची तीन हुई लाइव क्लासें वो दिवाली के तुरंत बाद शुरू कर देंगे। अब 4 से 5 बजे तक हमारी इंडिया जीके की क्लास होती है, प्रीवियस ईयर पर्सन की, जो 15 नंबर की आएगी। रात को 8 से 9:30 बजे तक हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर की क्लास होती है, और फिर 9:30 से 10:30 तक सोनू सर की इंडिया जीके की क्लास होती है। यानी 25 और 15 40 नंबर का आपका काम मतलब इस क्लासों के माध्यम से हो जाएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर विद लेटेस्ट करंट अफेयर हम पढ़ने का काम करेंगे। और सबसे जरूरी बात है, इसकी नोट्स है टेलीग्राम चैनल जीके भाई प्रदीप सर के ऑफिशियल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन से चेक कर लेना। तो प्यारे बच्चों, अभी है ना, जो हमने कोशिश की है एक ड्राफ्ट तैयार करने की और वो चेयरमैन सर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि चेयरमैन साहब खुद एडवोकेट है और बीजेपी सरकार ने पहले भी कहा था, जब बच्चे सीएम साहब से मिल रहे थे, एक सीएम मनोहर लाल खट्टर थे उस टाइम, वो कहते थे कि ये सीईटी तो इसी पर होगा, अगला सीईटी हमें क्वालिफाई कर देंगे। तो सीईटी क्वालिफाई हो जाए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्तियों का सीईटी अलग से हो जाए, एग्जाम कैलेंडर फिक्स हो और आपका जैसे सिलेबस भी फिक्स हो, और इसमें हवाला दिया गया है राजस्थान सरकार का, क्योंकि वह प्लस टू का सीईटी अलग, ग्रेजुएशन का सीईटी अलग, और सबसे जरूरी बात है कि उसके बाद वहाँ पर जो बहुत सी भर्ती है वो सीईटी से बाहर, इसी प्रकार हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर और टेक्निकल भर्ती को बाहर कर दे और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। एक सजेशन दिया गया है कि ये चीज़ें हो जाए, तो इसमें आज कटिंग भी ऐसी ही कुछ आई है, और जो बच्चे हैं ना नए बेच लेना चाहे तो बेच ले सकते हैं। और ये लाइव बैच है सीईटी और हरियाणा पुलिस का, अभी 5 ही दिन इसको हुए हैं, 1499 में पूरा रिकॉर्डेड है। और कई बच्चे जो फ्रेशर है ना वो तो ये ले लेना, और जो बच्चे फ्रेशर नहीं है तो वो 799 का रिकॉर्डेड ले लेना, ठीक है, क्योंकि जिसने 1-2 नंबर से रह गया 7497-4004 से। देखो सीईटी में संशोधन हो तो कि सभी क्वालिफाई हो, सरकार ग्रुप सी और डी के पदों की भर्ती में सीईटी में संशोधन करने जा रही है। देखो संशोधन तो होगा, कितना होगा वो हमने कोशिश की है कि क्वालिफाई हो जाए, बात ही खत्म हो जाए, गलियारे में चर्चा भी हो रही है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही सीटी हुआ है जिसके आधार पर ये भर्तियां, मगर लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं। नया सीटी पुराने सीटी में कई खामियां, कुछ खामियां हो तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सोशियो अंक को हटाकर कर दी है, मगर पदों और कैटेगरी के शॉर्टलिस्ट के फार्मूला सही अभी भी नहीं है। ये 4 गुना के गलियारे में युवा मांग कर रहे हैं कि इस बार यह गलती मत की जाए, सीटी पास सभी उम्मीदवारों को अपनी अपनी योग्यता अनुसार पदों के लिए नॉलेज टेस्ट लेने का अधिकार दिया जाए, यानी सीटी को क्वालिफाई बनाया जाए। कुछ अफसर तर्क देते हैं कि नॉलेज टेस्ट से ज़्यादा उम्मीदवार हो जाएंगे, मगर ये तर्क सही नहीं है। तो बेटा सुरेंद्र धीमान जी है, वो भी लगातार बच्चों के लिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं HSSEOP से। देखो सीईटी अगर क्वालिफाई हो जाए ना तो सारी समस्याओं का हल दूर हो जाएगा, या अगर क्वालिफाई ना हो तो एस्टेट की तर्ज पर इसको जैसे 60% की, ये देखो मेरा ओपिनियन है, मैं नहीं कहता कि मैं मेरे ओपिनियन माने जाएंगे, एस्टेट की तर्ज पर कर दिया जाए ना तो भी इसमें बहुत सी मतलब चीज़ों का इसमें समाधान हो जाएगा। थोड़ा सा पासिंग मार्क्स थोड़े से बढ़ा दो, 5-5% बढ़ा दो, लेकिन इसको क्या कर दो, क्वालिफाई कर दो, हर हाल में इसको क्या कर दो, क्वालिफाई कर दो, ताकि युवाओं को ना जल्द से जल्द, पिछले काफ़ी टाइम से और ये भी कहा गया है कि उस प्रपोजल में साल में 2 बार सीईटी होना चाहिए, तो ये हमारी मांगे कितनी सही है और क्या इसमें एड ऑन होना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।